कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रवण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए, पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। जबलो अध्यात्म योगी परम वीतरागी महातपस्वी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विद्यासागर आए धरा पर करने जगे उद्धारा, हाँ करने जगे उद्धारा, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहा अपना माथा। जिनके जीवन की हर चरिया बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा, जय नागम काय सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम साक्षात विराजमान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतरत शंभो षटित्ताह्वाननम्। जय हो। ओम ह्रूम पूज्यपाद आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठति ठठ स्थापिनम्। जय हो। ओम ह्रूम परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि करणम परिस्वांजलिम छिपे। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वही तरणी से अभी तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भविकाल उस धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रूम पूज्य पाद आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाश नये जलम नरोपामिति स्वाहा। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम पंचाचार विभूषिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम नरोपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत में भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कली भी खिल जावे। ओम ह्रूम दर्शनाचार्य विभूषिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ता अक्षता निर्वपामी स्वाहा। भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम ज्ञानाचार विभूषिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नरोपामीति स्वाहा। इस छुदा
कथा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्षे अभक्षे भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम चारित्रचर विभूषिताचर्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम नरोपामीति स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप रहा इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूमी बीर्याचार विभूषिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम नरोपामीति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम ज्ञान ध्यान तपो रक्ता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम नरोपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजन का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम मोक्ष मार्गोपदेश का आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम नरोपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। संतों में है श्रेष्ठ उदाहरण पंचम काल निराला। विद्या सागर आए धरा पर करने जगे उद्धारा। हा करने जगे उद्धारा। ओम रूम साक्षात विराजमान शिक्षा दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम नरोपामीति स्वाहा। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज के यह एक सुनी हुई बात हो सकती है या पढ़ी हुई बात भी हो सकती है, किंतु नियम नहीं है कि यह मद का आवेश केवल मांसाहारी में ही होता है अथवा मनुष्यों में ही होता है, यह हम नहीं कह सकते। किंतु अन्यत्र भी यह होता है। जो मांसाहारी नहीं भी है उसके मद के भाव और भी तीव्र देखे गए हैं, शास्त्रों में उल्लेख है। इसलिए तामसी वृत्ति एक प्रकार से अपने मनोमीमांसा के ऊपर आधारित है।
हम उसकी मीमांसा करने के लिए तैयार हो जाए तो वह कहीं न कहीं उसके बीज, उसका वंश, उसके योनि स्थान मन के भीतर है, न कि और कोई शेष पंच इंद्रियों के अधीन। और यह सब जगह पाया जाता है, देवों में भी होता है, कई बार कह चुका हूँ, ये शास्त्र की बात है। लेकिन शास्त्र के बिना भी हम इस प्रकार की बात सुनते हैं, वह आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी उससे दूर हैं ऐसा कहने का साहस न करिएगा। किसी न किसी कोने में वो छुपा हुआ रह सकता है, गुदड़ी में भी लाल रखे जा सकते। अब कहाँ से प्रारंभ करूँ, ये भूमिका बन गई। सुना था उसकी बात, मैं कह रहा हूँ आपके सामने। सिंह और सिंगनी दोनों जंगल में रहने वाले प्राणी। जंगल में ऐसा नहीं कि बाग बगीचा में रहे, किंतु जंगल है, जियामान जंगल में रहते हैं। अब सिंगनी सोच रही है, सवाल यह है, वंश की रक्षा करना या पति को मात्र खुश रखना। पति को भी हम खुश रखेंगे, क्योंकि जीवन जीना है तो कुछ न कुछ सहयोग लेना चाहेंगे तो देना भी चाहिए, ये नीति है। लेकिन वंश को संचालित करने के लिए यहाँ पर एक पक्ष को थोड़ा विशेष बल देना चाहिए, ऐसी सिंगनी सोचती है। ये उसका पक्ष है, यह तब तक ज्ञात नहीं होता जब तक इस प्रकार का प्रसंग नहीं आता। और वह सोच रही है, चूंकि गर्भवती है वो, अब गर्भ में तो शिशु शावक आएगा, तो वहाँ रक्षा, उसका संरक्षण कहाँ से किया जाए। संरक्षण सर्वत्र दुर्लभ है, आरक्षण सुलभ हो सकता है, जैसे भारत में चल रहा है। दोबारा बोलू ताकि आप याद रखें, आप जब करते हैं ये परिचित हैं, दोबारा कहने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूँ। कि संरक्षण यह एक प्रकार से मोह का ही परिणाम नहीं, किंतु वह एक प्रकार से संरक्षण, एक प्रकार से दया का भी भाव हो सकता है, और दया में बहुत कुछ छुपा हुआ रह सकता है। त्रियंच है तो उसके पास भी संयमा संयम आ सकता है, और ऐसी स्थिति में श्रावकत्व का ये बीज भी उसमें और पड़ सकते हैं। केवल खाने के लिए हिंसा करते हैं ऐसा भी नहीं है, मांस के लिए ही, किंतु एक किसी न किसी का मनोरंजन का भी काम हो सकता है। सप्त वसनों में एक शिकार आता है, वो मांस के लिए ही किया जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं। राजा आदि कभी उससे प्रभावित होते हैं, वो शिकार खेलने के लिए मनोरंजन के साथ चले जाते हैं। इसका त्याग, क्योंकि ये शिकार खेलने से उस जीव का वध होगा और कुछ भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा।
वह कहते नहीं बली हिंस पशु, किंतु हिंसा में वह आक्रमणकारी नहीं होते। उसके आक्रमण कोई करता है तो उसके लिए जवाब अवश्य देते हैं। तो वह सोच रही है कि पति से कैसे इसको बचाऊं, गर्भ तक तो बच जाएगा, खाना पीना आदि मैं अच्छे ढंग से उसको सहयोग दे दूं, गर्भ में उसका पालन पोषण आदि संवर्धन सब कुछ होगा, सुरक्षित क्रम से होगा, और इसमें पति का भी अवश्य सहयोग होता ही रहता है। लेकिन फिर भी पति के मन में ये बात आ सकती है। क्या आ सकती है, आगे आपके सामने बता रहा हूँ। और वह एक स्थान निरीक्षण करके कि संतान के लिए स्थान यह चुना जाए ताकि इसका संरक्षण अच्छे ढंग से हो जाए, और एक बार उसमें भागने की दौड़ने की बात आएगी अवश्य इसमें राहत हमें मिलेगा। तो एक स्थान पर वह उसको संतान को जन्म तो देती, लेकिन यह गंध तो पति को भी लग जाती, इसने कहाँ पर दिया है, संतान को जन्म कहाँ पर दिया है। वो संतान में सिंगनी की सिंगनी आगे जाकर के बनेगी क्या, सिंह बनेगा, ये भी दोनों हो सकती हैं, यानी स्त्री वेद के साथ भी जन्म हो सकता है और पुरुष वेद के साथ भी जन्म हो सकता है। ढूंढा उसने पति ने बहुत कुछ, किंतु अंत तक सुराख नहीं मिली, और यह कब चली जाती, कब उसका संरक्षण करती, कब खान पीन आदि आदि का योगदान देते आदि आदि, विशेष रूप से और कोई देना नहीं होता, केवल उसके दूध की ही आवश्यकता पड़ती है। सुनते हैं 6 महीने तक वह और किसी का भी सेवन करने के लिए देती है, देती नहीं, केवल अपना ही दूध, दूसरे का भी दूध परहेज रखा जाता है, क्योंकि दूसरी जाति का यदि दूध पिला दे तो वह मैमे ही बनने लग जाएगा, इसलिए वो भी दूर। और आप लोगों को सिंथेटिक दूध भी चल सकत, यूरिया, अब यूरिया पढ़ करके अब धर्मध्यान ये कैसे करेंगे, हमें समझ में नहीं आता। आपको समझ में आ रहा, आपकी भाषा है, आपकी विचारधारा है, आपकी सपोर्ट है, आप तो किसके सपोर्ट है करते हैं पता नहीं, और आज करें क्या फिर, बिल्कुल ठीक है, हमें क्यों पूछ रहे हो, हमें बिना पूछे तो दे रहे हो, हम तो मना ही करेंगे। तो यह जब वो बड़ा हो गया, सामने छिपने की बात नहीं तो सामने भी आ गया, इतना बल उसके पास भी आ गया, और वह प्रतिकार के लिए भी तैयार है। आपके मन में ये भाव उठता होगा, आखिर क्या है इसमें, यह राज था कि जब बड़ा हो जाएगा, सिंह एक राजा माना जाता है वन का, और यह भी यदि पुरुष है तो छोड़ेगा ही नहीं, और हमें हटा करके वह राजा बन सकता है। आज के जो वीटो पावर है लगभग इसी ओर घूम रहे हैं, लगभग नहीं खुल्लम खुल्ला कह सकते, कोई मेरे ऊपर स्वामी अधिकारी न बने, और उसको दबाने का
हमेशा हमेशा प्रयास चलता रहता है। अब सबसे ज़्यादा गलती भारत में ये हो रही है कि आप लोन लेते हैं और उसके द्वारा हर एक काम आज करने लगे। आम तौर से बात, जैसे मुद्रा देने से हर काम, हर वस्तु को आप खरीद सकते हैं, प्राणों को छोड़ करके खरीद सकते हैं, लेकिन यह ज्ञात नहीं है, यह लोन लेने से हमें ही चुकाना होगा। सरकार चुकाएगी, सरकार कौन, आप ही तो है, ये तो ध्यान तो रखो। लेकिन आज उसके कारण कोई भी व्यक्ति पहले भी कुछ लेने के लिए ऋण लेना चाहता तो आगे पीछे बहुत बार सोचता था। कोई भी नौबत आ गए उस समय मेरे पास धन नहीं रहेगा तो क्या करना होगा, खेत बेचनी होगी, घर बेचनी होगी, बर्तन बासन बेचनी होगी, क्या क्या बेचनी होगी, मुंह मांगा ब्याज देनी पड़ेगी। और देने वाले क्या करते हैं, ऋण देने वाले, भैया आप मूल देओ या न देओ, लेकिन ब्याज तो समय पर देते जाओ ताकि मूल के बराबर वह ब्याज भी। ये सब जान रहे हैं लेकिन इसको मान नहीं रहे अथवा उसका पालन नहीं कर रहे। तो यह हमारे ऊपर नौबत ना आ जाए सिंह सोचता है, इसको पहले से ही साफ कर दूँ, लेकिन आज ये नहीं हो रहा। हर एक राष्ट्र कुछ सहयोग देता है तो सहयोग देने के उपरांत वह कहीं न कहीं दांव में उसको दबाने के खेल करता रहता है, समय पर वह उद्घाटित होते रहते हैं, आप लोग सब जानते तो हैं, लेकिन भारत इसके बारे में अभी सोच नहीं रहा, ज़्यादा नहीं सोच रहा है, सोच भी रहा है तो वो एक प्रकार से सोचने के बाद भी एकदम कदम उठा नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार के अनुबंध होते रहते हैं आपस में राष्ट्रों के बीच में, उसको हम एकदम नकार नहीं सकते। समय पर दुगना क्यों न देना पड़े लेकिन लेना पड़ता है। तो वह सिंह सोच रहा है, इस जंगल का मालिक मेरा पुत्र भले ही हो, वंश का वर्धक है, कुल दीपक है, लेकिन मेरा तो नाम समाप्त हो जाएगा और झंडा पताका इस जंगल में उसका होगा। अब देखो एक संतान के प्रति भी एक पिता सोच रहा है, महावीर भगवान के चिन्हों में सिंह को रखा है, सुन रहे हो, हाँ सिंह में ये भी होता है लेकिन महावीर भगवान में ये कोई भी भाव नहीं है। और उनको बहुत कुछ सब कुछ वैभव मिला लेकिन उसकी ओर उन्होंने नहीं देखा, ऐसा राज्य तो कई बार मिला है, ये राज्य राजसी और तामसी परिणामों का एक खजाना है, इन दोनों से बचाना संसारी प्राणी को बहुत आवश्यक है। और जो भव्य प्राणी इस रहस्य को जान लेता है तो अवश्य ही समझ लेता है कि 14 रत्न भी होते हैं, उन रत्नों को भी धूले के कण मिट्टी और पत्थर लकड़ी की भांति मान करके उसको ठुकराता भी नहीं, ठुकराने से तो पैर में भी दर्द हो सकता है, उससे दूर ही हो जाता है, लेकिन आप झुक करके लेकर के अपने खजाने में खाओ रखते जाओ। फिर इसके उपरांत यदि मान लो आध्यान रोध ध्यान के मरण हो गया तो जा करके
सुन देख रहे हो, दिख रहा, उसी के ऊपर कुंडली मार करके बैठ जाता है। कोई भी जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, खर्च निकालने के लिए उसमें से निकाल नहीं सकता। अपना पुत्र आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन खाऊ पुत्र आ जाएगा तो उसके लिए भी वह दसने का दस्ता तो नहीं, आवाज तो फुसकार मार खड़ेगा ताकि वो घबरा जाए। ये भाव क्यों आता है? पर द्रव्य के प्रति ममत्व और इस शरीर या नश्वर जीवन के में भी हमारे लिए हमारी मान्यता, ये दोनों चीज़ें आप भूल जाएं तो प्रवचन का रहस्य आपको समझ में आ गया, मैं समझता हूँ। लेकिन यह रहस्य समझना बहुत ही कठिन है। हम देखेंगे इस भाव में नहीं सही, लेकिन एक दिन तो आकर के आपके ऊपर हम कुछ अवश्य लगाएंगे, भले इस समय हम कमजोर हैं। बल कौन सा ले आना चाह रहे हो? आत्मबल का प्रयोग करो तो राम से रावण हारा और रावण फिर भी हराने के उपाय सोचता रहा, अंतिम दम अंतिम श्वास तक। आप लोग ऐसा तो नहीं करेंगे, आपको वैसे कहाँ वैभव मिल रहा है? नहीं समझे कहाँ मिल रहा है, फिर भी जो कुछ मिला है उसमें भी वह फुसफुसाहट रहता है। रहता है क्या? नहीं, सही बोलो, ईमानदारी के साथ। हाँ रहते हैं ना। हाँ, ये क्यों है? अनाधिकार से आई, सिंह के वे पास यही थी, इसलिए ज्ञानम जातिम कुलम जातिम ऐसे बोलते ना तत्व अपने रत्नगण श्रावकाचार्य में। आठ प्रकार के मद होते हैं, आठ प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उसके ऊपर ये मद होता है। तो समीचीन दृष्टि के लिए मल मैंने एक प्रकार से दोष का कारण होता है। एक दिन ज़्यादा बढ़ गया वह मद तो अंत में जा करके उसको पूर्णतः समाप्त कर सकता है। आपकी चर्चा या आपके चारित्र वहाँ पर निश्चित रूप से रह भी नहीं सकता, क्योंकि समीचीन दृष्टि के बिना चारित्र कभी फल नहीं दे सकता। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि आप सिंह से कम नहीं हैं, क्योंकि आपके पास सिंह से भी बहुत कुछ बल है और दोनों कार्य कर सकते, नीचे भी जा सकते छोर तक और ऊपर भी जा सकते हैं छोर तक, लेकिन जोर किस ओर लगाना ये आपके ऊपर आधारित है। सिंह तो न बनियो लेकिन नरसिंह भी न बनियो। हाँ, वो भी वही है, इसलिए वो भी कथा आपको याद रखना चाहिए। सब कुछ जो है बल का प्रयोग, हमें वैराग्य के क्षेत्र में अथवा सम्यक ज्ञान के क्षेत्र में अथवा परोपकार के क्षेत्र में करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना। दुरुपयोग तो बहुत सुलभ है, किंतु सदुपयोग बहुत दुर्लभ है। अहिंसा परमो धर्म, इसलिए न्यायालयों में भैया हम तो आपके न मकोड़े जानेंगे और न ही हस्ताक्षर लिखेंगे और मानेंगे, हम तो नहीं समझे, यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ हो गई, हस्तक्षेप करो यानी अंगूठा, अरे ये तो अंगूठा छाप, ये छाप वही है जो भीतर है, नहीं समझे, जो CID आदि जो प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं वो इन्हीं सब बातों को लेकर के आपके इतिहास, आपका बाल्यकाल, आपके बाल्यकाल में भी वही अंगुष्ठा है,
वही हस्ताक्षर लिखते समय है, वही मरण के समय है, और उसको यदि शिलालेख का रूप धारण कर लिया जाए तो वो आपका हस्त अंगूठा यही हस्ताक्षर है। अक्षर का नाम अक्षर नहीं, किंतु हाथ में जो छपाया गया है वह बदलता नहीं, वह भी कभी कभी बदलता है भाग्य के कारण, लेकिन वह बहुत नगण्य है। इसलिए मुद्रा इसी को बोलते हैं, मुद्रा इसी को बोलते हैं। आपकी जो मुद्रा चलती है उसमें दो पहलू रहते हैं, एक तरफ चित्र रहता है और एक तरफ लेख रहता है। ये क्या है? ये इसलिए एक तरफ चित्र का अर्थ महत्वपूर्ण है, ये किसका चित्र है, इसलिए आप लोग अपने पवित्र कार्य के माध्यम से पवित्र नाम को और पवित्र करने की सोच रखिए। आज बहुत बहुत कुछ गड़बड़ियाँ होने को हैं, हो रही हैं, इसलिए मैंने आपके सामने हस्ताक्षर और हस्तक्षेप और अंगूठा छाप को बताया। प्रामाणिक यदि कोई है व्यक्तित्व तो यही एकमात्र है, जो पहले था, बीच में था और अंत में था, इतिहास में भी वही उसी की कथा होगी। इसलिए भारत बहुत दिन पहले भी था, बीच में भी था, अभी है और आगे भी इसको भारत को सुरक्षित ही रखना है। यूं करके तोला नहीं जाता, बोलो ना। ओ महाराज इतना तो कहो है, यूं यूं करके उठाया नहीं जाता, किंतु कैसा होता है, ये तराजू अंगूठे के बिना उठ नहीं सकता। इसी प्रकार आप बोलो, हाओ नहीं समझे तो यह यदि अंगूठा नहीं है तो आप कौलाहारी नहीं बन सकते, इसलिए पशु नहीं, आप पशु तो है, उसके पास अंगूठा नहीं, इसलिए वह यूं करके पीता और खाता है। और आप लोगों के लिए खाने लग जाओगे तो गड़बड़ होगा। कबला कबल करके रोटी नहीं खा सकते आप, रोटी के कबल बना लो हाँ, और गैया के मुंह में दे दो पूरी पूरी रोटी, किंतु आप क्या करो, पूरी रोटी नहीं खा सकते, एक 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 ग्रास 32 बार चबाओ और उसको 32 दांत है ना, चरवण करो, जुगाली करो और रोटी को खाओ, नहीं रोटी को पियो और दूध को खाओ, तो उल्टे कर रहे हो इसलिए गड़बड़ है हाँ। इस प्रकार आप लोगों को मानवीयता क्या है इसके बारे में खूब अध्ययन करना चाहिए और उसको याद करना चाहिए। इतिहास जो व्यक्ति नहीं पढ़ता वही व्यक्ति आज इस प्रकार यद्वा तद्वा कहता भी जा रहा है, यद्वा तद्वा बोलता भी जा रहा है, यद्वा तद्वा लिखता भी जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि प्राचीन काल से जो कुछ भी लिखावट है उसको यदि आप सुरक्षित रखेंगे तो काम होगा। आप लोगों की शादी जब हुई है तो कैसी हुई है बताओ, कुंडली निकाली नहीं, कुंडली में क्या है, आपका नाम है, बाजार में कोई भी नाम रख ले, कुंडली का नाम ही आपके लिए विवाह में काम आएगा। इसी प्रकार भारत की कुंडली क्या है देख लो, इंडिया की कुंडली क्या लिखा जाएगा बताओ। दर्पण दर्पण क्या वस्तु है ये पूछा जाता है, तो
उसकी व्याख्या, उसकी समीक्षा आदि आदि अपने आप गौण हो जाते हैं। बस दर्पण हाथ में रहे या दीवार पर, दीवार पर है तो उसके सम्मुख चाहिए, हाथ में है तो अपनी आंखें खोल लीजिए, आपको कुछ करना नहीं। लोग इसे कांच का एक टुकड़ा कह सकते हैं, किंतु है तो कांच का टुकड़ा, किंतु इसमें चमत्कार है। आंखें हमारी उस कांच के पार जाने की क्षमता रखती है, किंतु ये कांच का जो टुकड़ा है इसमें एक प्रकार से आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। कांच के टुकड़े में किसी की भी शक्ल देखने को उपलब्ध नहीं होता, उसका महत्व भी मैं समझता हूँ, लेकिन आपके सामने अभी इसका क्या गुण है, इसकी क्या विशेषता है, हमें देखना है। यह दर्पण कांच होकर के भी इसमें जो ही इसके सामने खड़े हो जाते हैं तो उस पार का कुछ नहीं दिखता, और दूसरा है जिसको हम देख रहे हैं वह भी गायब हो जाता, सामने कांच है किंतु वह भी गायब हो जाता है। सामने और वस्तुएं रखी गई हैं किंतु वह इसमें नहीं आती, केवल आप उसमें दिखते हैं। ऐसा व्यक्तित्व संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा जो अपने आप को तो छुपाए बताए नहीं और अपनी विशेषता के बल पर आप अपने आप को देख सकते हो। संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो देखने योग्य हैं लेकिन बहुमूल्य भी है, लेकिन कोई भी वस्तु आप खरीदो आपको नहीं दिखा सकती, वो सब अपने आप को रूप स्वरूप अच्छे सब बता देंगे, किंतु दर्पण ही एक ऐसी वस्तु है जो जो संसार में कहीं भी जाओ तो देखने को उपलब्ध नहीं होगा, जो वह आपको बहुत आसानी से उपलब्ध करा देगा। इसमें एक विचित्रता यह है, उसका मुख इस ओर है, हमारा मुख उस ओर है, आप सुन रहे हैं किंतु दर्पण में आप देख भी रहे हैं, ध्यान रखना। उसका मुख इस ओर है और हमारा मुख उस ओर है, किंतु हमारा मुख उस ओर का भी हमें दिखता है और किसी को भी नहीं दिखता।
ये इसमें चमत्कार है। संसार भूला हुआ है, अपने आप के परिचय से रहित है, उसको ये देवता कहती है। दुनिया में सब प्रकार के आएंगे लेकिन आपके चुराएंगे वो, लेकिन मैं ही एक ऐसा हूं कि आपको दिखा देता हूं, जबकि आपका मुख विपरीत दिशा में है, दर्पण का मुख इसमें है, फिर भी जबकि हमारी दृष्टि, जबकि हमारी परिणति विपरीत है, संसारिक है, मोही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह उसके सामने जाते ही अपने आप को दिखा देता। इस प्रकार चमकीली वस्तु होकर के भी आपको आंखों में कभी भी चमचमाहट नहीं आई, यह एक उसका स्वभाव है। उसमें क्या किया गया है, उसमें एक प्रकार से उसकी पीठ पर क्या लगाया, उसको आप लोग सिंदूर बोलते हैं। सिंदूर लगाते ही वह बाहर नहीं जाता, और उसके कारण उसमें ये गुण आ जाता है, हम अपने आप को देखते हैं और कोई भी नहीं दिखता। यूं कहे कि सामने वाला व्यक्ति अपना व्यक्तित्व को न दिखा करके आपके स्वरूप तक आपको पहुंचा देता है। दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। ऐसे दर्पण को आप देखते तो प्रतिदिन, आज के इस युग में दो साथी हैं आपके जेब में, एक तो मोबाइल को नहीं, दूसरा हम बता रहे हैं, कंगी कटंगी है और छोटा सा दर्पण। इसके द्वारा आपका मंडन जहां कहीं भी बैठे वहां पर हो जाता है। आप अपने आप को संभाल लेते हैं इसी के बलबूते पर। ध्यान रखो, ये आपकी आंखें मिली, ये आईना के काम तो करते हैं लेकिन दूसरे के लिए करती, आपके लिए स्वयं के लिए नहीं। बहुत दूर दूर से तो आप देख सकते हो, किंतु अपने आप को ये आंखें नहीं देख सकती। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ इन आंखों से संसारी प्राणी ने केवल दूसरे को ही देखने का उपयोग करता आया है, अभी भी करते। महाराज जाने की तैयारी में है, वो भी आकर कहते महाराज अब जीवन पर्यंत तो इसमें मैं रहा, दुनिया के कामों को ही पूर्ण करने में लगा, अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई, कुछ धर्म कर्म करने का समय आ गया और आंखों से नहीं दिखा, सुनने में नहीं आउट, बैठने के लिए कमर कह देती है बैठ नहीं सकत, उठ जाए तो बैठ नहीं सकते, बैठ जाए उठाओ,
कोई नहीं है भगवान, आप ही तो उठा दो हमें अब। नहीं कहते, कहते हैं ना, सोचो इन आंखों के द्वारा हमने दूसरी वस्तुओं को देखने का ही उपयोग मिला है, स्वयं के बारे में नहीं किया। इसीलिए यहां पर जो महोत्सव हो रहा है, स्वयं को देखने के लिए वह आईना लगाया जा रहा है, वो बिंब लगाए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें जाकर के बार बार इन आंखों से उसमें देखो तो आप दिखने में आएंगे, इन दोनों आंखों को भी आप देखेंगे, नहीं समझे? और उसमें उसके ऊपर उपनयन भी लगाओ तो भी वो दिखेगा, आप दिखेंगे, आपकी आंखें दिखेंगी, लेकिन आप किसी को और किसी को देखोगे उसमें न आंखें दिखेंगी, न आपकी प्यारी प्यारी नाक दिखेगी, बल्कि यूं कहना चाहिए, अरे भैया वहां तो गया था लेकिन हमारी तो नाक ही कट गई। नहीं समझे? क्यों? हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, अब कब आएगा? हम इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े लोग सारे सारे कह देते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े नहीं सड़े हैं, अब खड़े हैं, अब क्या करें? बड़ा विचित्र है। धन है, वैभव है, जमीन है, जायदाद है, परिवार है, वो है, ये है, इनको देखो आप यही दिखते हैं, किंतु कभी भी आपको तो देखेंगे वो, लेकिन स्वयं को देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। केवल दुनिया में दर्पण ही यानी जिन बिंब ऐसी है, प्रभु का बिंब, उसमें हम वीतरागी भी हैं, और हमारे लिए वो स्वरूप का बिंब क्या है, कैसा है, ये दिखाते रहते हैं। बड़ा विस्मय होता है, ऐसी वस्तु जो हमें कभी भी नहीं मिल सकती वह हमारे लिए उपलब्ध हुआ। सब जगह एक है, देवों के पास हजार हजार नेत्र बनाने की क्षमता है, लेकिन उनके द्वारा भी उनकी आत्मा को देखने का सौभाग्य उनको भी प्राप्त नहीं, कोई भी नहीं दिखा सकता। कौन दिखा सकता है? तो जिन बिंब या जिनेन्द्र भगवान, जिसके माध्यम से स्वरूप का लाभ होता है। जो स्वरूपस्थ होता है वह दूसरे के स्वरूप को भी दिखाने का कार्य करता है। रात दिन या आप उनको देखते रहो। बड़े बड़े दार्शनिक भी अपने दर्शन को खम करके और इनको देखने में अपने आप को समझते हैं, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे स्वस्थ मूर्ति के सामने जाने के उपरांत फिर बाद में दुनिया सब गायब हो जाती, गायब हो जाती है। ध्यान रहे, आप लोगों ने जो कोई भी बिंब आदि आदि वहाँ से मंगाए हैं, नहीं समझे, ये जब तक आप इनको स्थापित नहीं करते तब तक आप कह सकते हैं ये हमारा है, ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, बंधक, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।